नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ में। तो दोस्तों, आज मैं आपको 10 ऐसे शेयर्स बताने वाला हूं जो अगले 10 सालों में आपकी किस्मत बदल सकते हैं। ये 10 शेयर्स मैंने 10 अलग अलग सेक्टर से डिसाइड चूज़ करे हैं, जिससे आपका पोर्टफोलियो अच्छे से डाइवर्सीफाई भी हो जाएगा और आपका रिस्क बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाएगा। दोस्तों, अगर इन 10 शेयर्स में से मान लीजिए अगर 3 या 4 शेयर्स भी चल गए और वो 100 से 200 गुना भी हो गए ना, तो आपकी किस्मत डेफिनेटली वो अच्छे से बदल देंगे। तो हमने ये नहीं देखना कि मतलब 10 के 10 चले या 10 में से कोई 3 या 4 भी अगर चल गए ना, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स देंगे। तो हमारे लिस्ट का पहला शेयर हमने जो चूज़ किया है वो है दोस्तों दीपक नाइट्राइट। तो दोस्तों, उसका चार्ट मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसके चार्ट की बात करें तो दीपक नाइट्राइट का अगर हम 1 साल का चार्ट देखें तो 1 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को काफ़ी अच्छे से बढ़ाया है। 1 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स को अराउंड 42% का शानदार रिटर्न दिया है और इसका हमें ट्रेंड भी अपवर्ड ही देखने को मिल रहा है पिछले अगर 1 साल की बात करें तो। अगर इसका 5 साल का चार्ट मैं आपके सामने रखूँ तो 5 साल में दोस्तों देख लीजिए, आपको इसने अराउंड 1734 का शानदार रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका ऑल टाइम हाई की बात करें, ऑल टाइम हाई दोस्तों इसका 3020 का देखने को मिलता है। तो अभी ये स्टॉक हमें अच्छी खासी करेक्शन में भी देखने को मिल रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं तो आप दीपक नाइट्राइट का शेयर ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। इस प्राइस में आप 1-2 क्वांटिटीज़ ऐड कर सकते हैं। अगर और डाउन देखने को मिले तो आप धीरे धीरे 1-1 करके क्वांटिटीज़ को बढ़ाते रहिएगा। अगर मैं इसमें FIs और DIs की होल्डिंग की बात करूँ तो दोस्तों FIs ने इसमें अराउंड 9% की होल्डिंग्स 9% का स्टेक इसके अंदर बाय कर रखा है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने अराउंड 6-7% का स्टेक इसके अंदर बाय कर रखा है। और वहीं इसकी PE रेशियो देखें तो दोस्तों अराउंड 40 की PE रेशियो देखने को मिल रही है। वहीं सेक्टर PE देखें तो सेक्टर का अराउंड 25 की देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर इसका फाइनेंशियल्स मैं आपके सामने रखूँ तो फाइनेंशियल्स हमें कंटिन्यूसली अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है और इनके प्रॉफिट में भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये दोस्तों एक शानदार कंपनी होगी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए अगले 10 साल के लिए। तो दोस्तों, अब हम अपनी लिस्ट के नेक्स्ट शेयर की तरफ चलते हैं, जो कि मैंने IT सेक्टर से चूज़ किया। और IT सेक्टर से मैंने हैप्पीएस्ट माइंड्स को चूज़ किया है। हैप्पीएस्ट माइंड का चार्ट दोस्तों आपके सामने आ चुका है। अगर हम इसकी 1 साल की बात करें तो 1 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को अराउंड 113% से बढ़ाया है, जो कि 1 साल पहले ये शेयर 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वही आज ये 1100 वहीं जहाँ ये शेयर 1 साल पहले 640 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहीं आज ये 1100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो दोस्तों 1580 का हमें ऑल टाइम हाई भी इसमें देखने को मिल रहा है। और ये कोई ज़्यादा नई लिस्टिंग नहीं है, तो हमें 5 साल का चार्ट तो हमें नहीं मिलेगा। अराउंड ये अक्टूबर 2020 में लिस्ट हुई थी और लिस्टिंग के आसपास का जो इसका प्राइस निकल के आ रहा है दोस्तों 345 का आपको देखने को मिल रहा है। तो वहाँ से अभी तक देखें तो ये अराउंड 4 गुना तो हो ही गया है। और ये ऐसे सेक्टर में ऐसी चीज़ों में काम कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशंस, तो इन्हीं चीज़ों का ट्रेंड दोस्तों हमें आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो ये भी एक अच्छा शेयर है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। चलिए अब हम इसके थोड़े फंडामेंटल्स की तरफ नज़र डालें। तो फंडामेंटल्स अगर हम देखते हैं, सेक्टर PE जो निकल के आ रहा है वो है 40 का और वहीं ये अराउंड 97-98 का सेक्टर PE इसमें देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी महंगा है। दोस्तों, ये महंगा हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जिन चीज़ों में काम कर रही है उन्हीं चीज़ों की डिमांड हमें आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। तो अभी भी ये शेयर दोस्तों बहुत सस्ता है क्योंकि इसका हम ऑल टाइम हाई देखा तो अराउंड 1600 का देखने को मिल रहा है, वहीं अभी इसका करंट प्राइस जो है 1116 का है। तो अभी भी आप इस शेयर में 1-2 क्वांटिटीज़ अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आगे आपको आने वाले टाइम में थोड़ा और गिरावट देखे तो 1-1 क्वांटिटी करके ऐड करते रहिएगा। तो दोस्तों, अब हम इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की तरफ देखते हैं तो इनका रेवेन्यू कंटिन्यूस हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और वहीं इसके प्रॉफिट में भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, चलिए अब हम अपनी लिस्ट की अगली कंपनी की तरफ चलते हैं, जो कि हमने सेलेक्ट करी है हेल्थ केयर सेगमेंट से। तो हेल्थ केयर में दोस्तों हमने सेलेक्ट किया है मैक्स हेल्थ केयर को। तो मैक्स हेल्थ केयर का चार्ट हम आपके सामने रख देते हैं। मैक्स हेल्थ केयर का
एक साल का चार्ट देखें तो एक साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को अराउंड 72% से बढ़ाया है। और वहीं अगर हम इसके 5 साल की बात करें तो 5 साल में अभी कोई ज़्यादा नई लिस्टिंग नहीं है, तो ये 2020 में सितंबर के आसपास लिस्ट हुई थी, जब 100-120 के आसपास ये कंपनी लिस्ट हुई थी। और इसका ऑल टाइम हाई देखें तो हम ऑल टाइम हाई हमें 458 का देखने को मिल रहा है, और अभी इसका करंट प्राइस देखें तो हमें 350 के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये भी एक अच्छी कंपनी होगी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो ये कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंशन करने की प्लान कर रही है वो काफ़ी अच्छा है। और इस मैक्स हेल्थ केयर में हमें इन मैक्स हेल्थ के साथ साथ इनका मैक्स लैब्स करके जो है उसमें भी हमारे पैसे इनडायरेक्टली इन्वेस्ट होते हैं, तो उसकी भी अच्छी खासी डिमांड हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो ये भी दोस्तों इसका चार्ट हम देखें तो इसका चार्ट हमें लगातार बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में अभी हमें थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन अभी इसका लॉन्ग टर्म चार्ट जो है वो पॉजिटिव ही है, और हो सकता है यहाँ से रिबाउंड करे और हमें और ऊँचे लेवल्स इसमें देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके थोड़े फंडामेंटल्स की तरफ नज़र डालते हैं। तो जहाँ पे इसके पी रेशियो अभी नेगेटिव में है, और क्योंकि हेल्थ केयर में अभी इस कंपनी के रिजल्ट्स थोड़े अच्छे नहीं आए हैं, तो वहीं सेक्टर पी अभी 36 अराउंड आसपास देखने को मिलता है। वहीं FIIs की बात करें तो FIIs ने इसमें अपना अच्छा स्टेक बाय कर रखा है अराउंड 16-17% का, और म्यूचुअल फंड ने भी इसमें अच्छी होल्डिंग बाय कर रखी है अराउंड 15-16% की, तो ये भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की तरफ नज़र डालें तो फाइनेंशियल्स में अभी हमें इसके ज़रूर नेगेटिव देखने को मिलते हैं, लेकिन इनका रेवेन्यू जो है हमें एकदम डबल से भी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन आने वाले टाइम में दोस्तों ये चीज़ हमें पॉजिटिव होती हुई देखने को मिल सकती है, जैसे कि ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी जहाँ पे ये मेजर सिटीज़ के अंदर जहाँ पे इनके ब्रांचेज हमें देखने को मिलती है, मैक्सिमम इन नॉर्थ इंडिया की बात करें तो मैक्स हेल्थ केयर की काफ़ी ब्रांचेज यहाँ पे हैं। वहीं अगर ये अपने सब सिटीज़ के अंदर हर स्टेट के अंदर एक्सपेंड करेगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी आने वाले टाइम में। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने लिस्ट के अगले शेयर की तरफ चलते हैं, जो कि मैंने रिटेल सेक्टर से चूज़ किया है, जिसका नाम है डीमार्ट को तो आप मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे। अगर इसका हम एक साल का चार्ट मैंने आपके सामने रख दिया, एक साल का चार्ट देखें तो एक साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को अराउंड 40% से बढ़ाया है। वहीं अगर 5 साल तो इसको अभी लिस्ट हुए नहीं हुए हैं, ये ज़्यादा पुराने लिस्ट 5 साल हमें लिस्ट होते हुए हो गए हैं इसमें, सॉरी जो ये 5 साल पहले अराउंड 600-700 के आसपास ट्रेड करता वहीं आज ये 4000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर ऑल टाइम हाई की बात करें दोस्तों तो ऑल टाइम हाई इसका हमें 6000 के आसपास का देखने को मिलता है, 5900 का ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं आप इसने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को कितने शानदार रिटर्न दिए हैं, 548% के बहुत बढ़िया रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका थोड़ा फंडामेंटल्स की तरफ नज़र डालते हो, ये काफ़ी महंगे पी पे ट्रेड कर रहा है अराउंड 235, जहाँ पे सेक्टर अभी नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है नेगेटिव पी पे। वहीं अगर इसकी FIIs की बात करें तो FIIs ने इसमें काफ़ी अच्छी होल्डिंग को बाय कर रखा है, अराउंड 19% की FII होल्डिंग बाय होती हुई देखने को मिलती है। वहीं म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने अराउंड 6% के आसपास इसमें अपना स्टेक बाय कर रखा है। वहीं दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स की तरफ हम नज़र डालें तो फाइनेंशियल्स मैं आपके सामने दिखाता हूँ, इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें दोस्तों तो हमें लगातार इसके अंदर रेवेन्यू में कोविड से पहले लगातार हमें इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर ड्यूरिंग द कोविड टाइम हमें इसमें फ्लैट ही रेवेन्यू देखने को मिला है, और दोस्तों आने वाले टाइम में हो सकता है आफ्टर कोविड जैसे कि अब ख़त्म हो रहा है, रिस्ट्रिक्शंस हट चुकी हैं, तो इसके रेवेन्यू लगा दोबारा से हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी प्री कोविड टाइम में बढ़ता हुआ दिखा है, और अभी थोड़ा फ्लैट और थोड़ा सा डिक्रीज ही दिखा है, और ये भी कवर अप कर जाएगा दोस्तों आने वाले टाइम में। अगर हम इसमें लॉन्ग टर्म की बेट लगा रहे हैं तो हमें ये शॉर्ट टर्म के लॉसेस को इग्नोर करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अगला शेयर मैंने जो चूज़ किया है वो पावर सेक्टर से चूज़ किया है, तो उसका चार्ट मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो हमारा शेयर है वो है टाटा पावर। तो दोस्तों टाटा पावर का चार्ट आपके सामने आ चुका है। अगर हम इसकी एक साल की बात करें तो एक साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत शानदार रिटर्न दिए हैं, जो कि 133% के बहुत बढ़िया रिटर्न माने जाएंगे।
वहीं अगर इसे 5 साल की बात कर 5 साल की बात करें तो 5 साल में इसने कुछ ज़्यादा खास परफॉर्म नहीं किया है। जो पहले डाउन डिक्रीज ही चल रहा था इसका शेयर प्राइस, और अब 2020 से हमें इसमें एक शानदार बूम देखने को मिला है। तो इसका एक ही कारण दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने की वजह से इन चीज़ों में हमें काफ़ी डिमांड देखने को मिली है। और जैसे जैसे ये पावर स्टेशंस अपने पेट्रोल पंप्स पे ऐड कर रहा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इसमें हमें और अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा टाटा पावर के बारे में, टाटा पावर ग्रीन एनर्जी के अंदर भी काम कर रहा है, जिसकी आने वाले टाइम में अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये था इसका चार्ट। अब हम इसका थोड़ा फंडामेंटल्स की तरफ नज़र डालें तो FIs और म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो FIs ने इसके अंदर अराउंड 10-11% का स्टेक बाय कर रखा है, वही म्यूचुअल फंड ने 4-5% का स्टेक इसके अंदर बाय कर रखा है। PE भी दोस्तों इसमें इसकी इस सेक्टर में सबसे महंगी है 68%, और जहाँ पे सेक्टर का 30 चल रहा है वहीं ये अभी डबल से भी ज़्यादा वैल्यूएशन पर मिल रहा है। जिस हिसाब से मार्केट लीडर कंपनी है दोस्तों, इसका PE 68 का होना बिल्कुल जायज़ माना जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से और ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पास ही आने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के भी आगे जाके। तो दोस्तों अब अगर हम इनके रेवेन्यूज़ की तरफ बात करें तो रेवेन्यू में हमें ज़्यादा कुछ खास ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है, और प्रॉफिट में भी हमें ज़्यादा कोई खास अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जब इसकी फुल फ्लेज डिमांड होगी मार्केट के अंदर, ग्रीन एनर्जी बिल्कुल अच्छे से काम कर रही होगी, तो उस टाइम पर हमें इसमें काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स और रेवेन्यू उस टाइम पे हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने लिस्ट के अगले सेक्टर की तरफ चलते हैं, जो कि मैंने NBFC सेक्टर से चूज़ किया है। तो NBFC सेक्टर मैंने चूज़ किया दोस्तों बजाज फाइनेंस को। तो बजाज फाइनेंस का मैं चार्ट आपके सामने रख देता हूँ। बजाज फाइनेंस का चार्ट देखो दोस्तों आपके सामने आ चुका है। अगर हम बजाज फाइनेंस की 1 साल की बात करें तो 1 साल में दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें हमें 34% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं, जहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑल टाइम हाई हमें 8050 देखने को मिला है, और अभी करंट मार्केट प्राइस देखें तो अराउंड 7000 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा मौका देखने को मिल रहा है, अराउंड 1000 रुपीज़ पर शेयर का हमें डिस्काउंट ही देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक अच्छा मौका होगा दोस्तों इस अच्छे शानदार शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। वहीं दोस्तों चलिए अब हम इसके 5 साल की बात करते हैं, तो 5 साल में आप देख सकते हैं दोस्तों इसने अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को अराउंड 488% से बढ़ाया है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाएगी, और लगातार हमें इसका अपवर्ड ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो इसका भी डिमांड आगे आने वाले टाइम में रहने वाली है और काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो दोस्तों चलिए अब हम इसके फंडामेंटल्स की तरफ थोड़ा नज़र डालते हो। फंडामेंटल्स हमें इसके 95 की PE पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है, वहीं जहाँ सेक्टर PE की बात करें तो हमें 25 देखने को मिलती है। तो दोस्तों FIs की बात करें तो FIs ने इसमें काफ़ी अच्छा मेजर स्टेक हमें देखने को मिल रहा है, अराउंड 22-23% का स्टेक तो FIs ने इसमें खरीद रखा, और म्यूचुअल फंड ने अराउंड 7-8% का स्टेक इनके पास है। तो दोस्तों चलिए अब हम इनके फाइनेंशियल्स की तरफ नज़र डालते हैं। तो फाइनेंशियल्स भी दोस्तों हमें इसमें लगातार प्री कोविड टाइम से पहले की बात करें तो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, और उनका प्रॉफिट भी उस टाइम पर काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ देखने को मिला था। लेकिन आफ्टर कोविड और ड्यूरिंग कोविड इनकी डिमांड, ये जिस सेगमेंट में काम करता है, ये जैसे मोबाइल फ़ोन्स बिक रहे हैं मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिक रही है, तो उस पर ये लोन्स वगैरह का प्रोवाइड करता है, स्मॉल कंज्यूमर लोन्स देता है। तो उस टाइम पे जहाँ पे ये सारे आउटलेट्स कोविड के टाइम पे बंद थे, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट हमें इनके रेवेन्यूज़ में भी देखने को मिला। रेवेन्यूज़ हमें फ्लैट देखने को मिले और प्रॉफिट थोड़े से गिरते हुए दिखाई दिए हमें। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने लिस्ट के अगले शेयर की तरफ चलते हैं, जो कि मैंने पाइपिंग सेक्टर से चूज़ किया है, जिसका नाम है एस्ट्रल। एस्ट्रल का चार्ट दोस्तों देखो आपके सामने मैंने लगा दिया है। एस्ट्रल की बात करें तो दोस्तों इसने पिछले 1 साल में अपने इन्वेस्टर्स को अराउंड 21% के रिटर्न्स निकाल के दिए हैं, लेकिन अभी ये काफ़ी अच्छी सी गिरावट में भी देखने को मिल रहा है। और जो जहाँ पे अगर इसके हाई टाइम ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2500 के आसपास का निकल के आ रहा है, वहीं अगर करंट मार्केट प्राइस का 2000 से नीचे हमें 1957 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा मौका है इस अच्छे पोर्टफोलियो को अपने अच्छे शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। तो दोस्तों अगर हम इसका 5 साल की बात करें तो 5 साल में आप देख सकते हैं इसने अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को 477% के बहुत ही शानदार रिटर्न्स देके बढ़ाया है,
और इसका लगातार हमें लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखे तो इसका अब ऊपर जाता हुआ ही देखने को मिल रहा है, और जहाँ पे गवर्नमेंट भी आगे आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा जोर दे रही है तो उस चीज़ का भी इंपैक्ट इसके रिटर्न्स में इस शेयर के अंदर देखने को मिलेगा। इसके रिजल्ट्स हमें काफ़ी इंप्रूव होते हुए आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसके फंडामेंटल्स की तरफ बात करें तो फंडामेंटल्स आप देख सकते हैं जहाँ पे सेक्टर की पीई 60 निकल के आ रही है और ये मार्केट लीडर होने के कारण इसके पीई हमें 97 देखने को मिल रहा है। और वहीं एफआईआई की बात करें दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम इसके फाइनेंशियल्स की तरफ नज़र डालते हैं तो फाइनेंशियल्स भी इस कंपनी के हमें लगातार अपवर्ड देखने को ही मिल रहे हैं और इनके प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो ये भी अच्छा एक शेयर होगा आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले शेयर की तरफ चलते हैं जो कि मैंने फुटवेयर सेगमेंट से सिलेक्ट किया जो कि है रिलैक्सो। तो रिलैक्सो का चार्ट अब आपके सामने आ गया है दोस्तों। तो एक साल का रिटर्न देखें तो रिलैक्सो ने अपने इन्वेस्टर्स को अराउंड 18% के बढ़िया रिटर्न कमा के दिए हैं, जो कि अभी गिरावट के कारण हमें 18% देखने को मिल रहे हैं, नहीं तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी भी इसमें थोड़ी सी करेक्शन चल रही है दोस्तों, तो ये भी एक अच्छा मौका होगा इस अच्छे शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। और इसका अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें दोस्तों तो लॉन्ग टर्म चार्ट देखो कितना अच्छा हमें देखने को मिल रहा है, लगातार इसमें पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है लॉन्ग टर्म में। और इस जबकि अभी करेक्शन में फिर भी इसने अपने इन्वेस्टर्स को अराउंड पिछले 5 सालों में 351% के बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके थोड़े फंडामेंटल्स की तरफ नज़र डालें तो फंडामेंटल्स को देखें तो हम अभी ये 88 के पीए पे ट्रेड कर रहा है, वहीं अगर सेक्टर पी देखो जो कि अभी नेगेटिव देखने को मिल रहा है। और एफआईआई की बात करें दोस्तों तो इसमें एफआईआई ने अराउंड 4% का स्टेक बाय कर रखा और म्यूचुअल फंड ने अराउंड 6-7%। और इसके फाइनेंशियल्स की तरफ नज़र डालें दोस्तों तो फाइनेंशियल्स में भी हमें प्री कोविड टाइम पे काफ़ी अच्छा अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन कोविड के टाइम पे हमें इसमें फ्लैट देखने को मिल रहा है। और इनके प्रॉफिट की तरफ नज़र डालें तो प्रॉफिट में हमें लगातार अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने लिस्ट के लास्ट शेयर की तरफ चलते हैं जो कि मैंने एक मोनोपोली कंपनी को सिलेक्ट किया है जो कि है दोस्तों IRCTC। तो IRCTC का चार्ट मैंने अब आपके सामने रख दिया है दोस्तों। तो पिछले एक साल की बात करें तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को अराउंड 120% के बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। वहीं 5 साल की बात करें दोस्तों तो 5 साल ये कोई ज़्यादा पुरानी लिस्टेड कंपनी नहीं है, ये लिस्ट हुई थी 2019 में और लिस्टिंग के टाइम पे इसका शेयर प्राइस देखें तो हम 140-150 के आसपास हुआ करता था, जो कि अभी हमें 770 के अराउंड देखने को मिल रहा है। और ऑल टाइम हाई की बात करें दोस्तों तो ऑल टाइम हाई इसमें हमें 1280 का देखने को मिल रहा है और अभी ये अच्छी खासी करेक्शन में भी हमें देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक अच्छा मौका होगा इस शानदार शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। और IRCTC की बात करें दोस्तों, IRCTC बहुत ही जानी मानी कंपनी है, जो भी आप रेलवे की टिकटिंग वगैरह बुक करते हैं तो यही एक कंपनी है जिसपे जाके आपको टिकट बुक करनी पड़ती है, चाहे वो आप मुकेश अंबानी या कितने ही बड़े आदमी की बात करें उसको भी इसी वेबसाइट पे जाके टिकट बुक करनी पड़ेगी, और कितने ही छोटे आदमी की बात करें वो भी इसी पे जाके रेलवे की टिकट बुक करता है। और फिर कैटरिंग और इनका बिज़नेस देखें तो हम इनका बिज़नेस टिकटिंग में, कैटरिंग में और भी कई ज़्यादा लॉन्जेस वगैरह में भी अब इनका बिज़नेस एक्सपेंड कर रहा है, तो ये भी एक अच्छा मोनोपोली कंपनी है और कोई दूसरी कंपनी इस चीज़ में हमें देखने को नहीं मिलती। ये भी अगले 10 साल के लिए अगर आप होल्ड करें तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकती है। और अगर इसके पीई की बात करें तो पीई अभी हमें 325 का देखने को मिल रहा है, तो सर जैसे मैंने आपको बताया कि मोनोपोली कंपनी है तो इतना पीई होना तो इसकी आम बात ही है। और एफआईआई की बात करें, एफआईआई ने इसमें अच्छा स्टेक बाय कर रखा है अराउंड 7% का, म्यूचुअल फंड ने थोड़ा कम कर रखा है अराउंड 0.5% का कर रखा है, जो कि थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। तो वहीं अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें दोस्तों, फाइनेंशियल्स हमें इसके प्री कोविड टाइम पे अपवर्ड जाते हुए देखने को मिल रहे हैं रेवेन्यू, और इसके प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही थी, जैसे कि आप जानते हैं कोविड के टाइम पे रेलवेज वगैरह बिल्कुल बंद थी, तो उसका इंपैक्ट हमें इनके फाइनेंशियल्स में देखने को मिला है जहाँ पे इनका रेवेन्यू काफ़ी घटता हुआ देखने को मिला और प्रॉफिट भी थोड़े से कम होते हुए देखने को मिले। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये भी आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आपको शो कर सकती है। तो दोस्तों ये थे मेरे लिस्ट के टॉप 10 शेयर जो कि आप अपने अगले आने वाले 10 साल के लिए होल्ड करें तो आपको बहुत ही शानदार रिटर्न्स दे सकते हैं। हमने ये नहीं देखना कि इसमें 10 में से 10 कंपनियां चले, हमने बस ये देखना है 10 में से अगर हमारी 5 भी चल गई तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों इसमें मेरी कोई ऐसी पर्सनल राय नहीं थी कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, एक बार ही आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लेना। थैंक यू दोस्तों।